एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जनाब, मेल चिप सीरीज़ में एक और वीडियो में ऐड करने जा रहा हूँ। आज हमने ये देखना है कि आपने देखा होगा काफ़ी वेबसाइट पे जब आप जाते हो और वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो या वेबसाइट ओपन करते हो, थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक पॉपअप बार आ जाती है और उस पे मेल चिप का साइनअप फॉर्म लिखा होता है या कोई ऑफर बनी होती है। आज हमने वो फॉर्म बनाना सीखना है, तो उसके लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है हसल। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लोगे अपने वर्डप्रेस पे। उसके लिए हम जाएंगे प्लगइन्स पे, ऐड न्यू हसल। ये आपके पास प्लगइन आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें आप पॉपअप्स बना सकते हो, स्लाइड्स इन, मतलब कि इस साइड से पॉपअप वगैरह आता है, इधर से थोड़ी सी बॉक्स वगैरह आता है, या ईमेल ऑप्टेंस यहाँ से आप बना सकते हो। तो इसको इंस्टॉल कर लो आप। क्लाइंट ये रिक्वायर करते हैं कि जब भी उनकी वेबसाइट कोई होम पेज ओपन हो तो एक पॉपअप आपके सामने नजर आए। तो ये सबसे बेस्ट प्लगइन है और सबसे ईजी है पॉपअप बनाने के लिए। एक्टिवेट कर लो इसको। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इसका पूरा लिंक आ गया, यहाँ पे ऑप्शंस आ गया आपके सामने और इसने ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया। वो यहाँ पे वो आपसे खुद ईमेल मांग रहा है आपकी, इसको आप कर दो नो थैंक्स। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या आप बना सकते हो। पहले कि आप ईमेल ऑप्टिंस बना सकते हो यहाँ से, मतलब मेल चिप का फॉर्म वगैरह बना सकते हो। मेल चिप क्या, और भी जो सर्विसेज हैं मेल चिप की तरह वो आप बना सकते हो, और उसके अलावा आप कस्टम कंटेंट भी दिखा सकते हो, कोई HTML, कोई आप कोई भी आपने टेक्स्ट ऐड किया, कोई इमेज ऐड किया या कोई भी चीज़ आपने ऐड किया वो भी आप दिखा सकते हो। ठीक हो गया जी, इसने बता दिया हमें। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन हैं कि पॉपअप्स बनाने, आपने स्लाइडिंग्स बनाने, इम्बेड करनी कोई चीज़ या सोशल शेयर करना है। तो हमने बनाना है जी फॉर द टाइम पॉपअप। तो क्रिएट पॉपअप पे आप क्लिक करो। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पॉपअप का नेम आपने क्या रखना है। ये सिर्फ आपके अपने याद रखने के लिए इस वेबसाइट पे नजर नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे रख दो जी साइन अप फॉर्म। कह रहा है कि जो भी आप चीज यहाँ पे नीचे ऐड करोगे क्या उसके ऊपर आपने कोई टाइटल देना है, अगर तो देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर कोई सब टाइटल देना है तो वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपने कोई कंटेंट लगाना है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब उसके बाद आप यहाँ पे फीचर्ड इमेज लगा सकते हो, फॉर्म के ऊपर एक इमेज लगी होगी, अगर आपने लगानी है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो। अगर आपने कोई बटन लगाना है कि इस बटन पे क्लिक करें आप यहाँ पे चले जाएंगे, तो आप यहाँ से बटन का नाम और URL लगा सकते हो। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए कि हमने मेल चिप इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए ये नीचे लिखा है ईमेल कलेक्शन मॉड्यूल, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके सामने ईमेल सर्विसेज आ जाएंगी। तो हमें मेल चिप यहाँ पे लगाना है, तो इसको एनेबल करेंगे। मेल चिप को एनेबल करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे और अब यहाँ पे आपसे, आपने अगर मेल चिप के अलावा कोई और सर्विस भी इंटीग्रेट करनी तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और डिफरेंट सर्विसेज हैं मेल चिप की तरह की, मैं प्रेफर करता हूँ मेल चिप। तो मेल चिप पे यहाँ पे आप, आपको पता है जैसे पिछली क्लासेस में हमने देखा था, यहाँ पे आपने अपनी API की जो है वो आपने लगानी है। तो उसके लिए हमें अपनी API की देखने के लिए हमें अपने मेल चिप अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। राइट क्लिक करो यहाँ पे और ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब यहाँ पे अपना अकाउंट जो हमने बनाया था पिछली क्लासेस में वो हम लगाएंगे। और हम लॉगिन कर देंगे, यहाँ पे अपने नाम पे क्लिक करोगे अकाउंट पे, और यहाँ पे आप एक्स्ट्रास में API कीज पे, और यहाँ से आप कोई भी एक नई API की क्रिएट कर सकते हो, पुरानी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं नई API की क्रिएट करता हूँ, मेरे पास API की आ गई। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल और कॉपी, यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और इसके बाद फेच लिस्ट करता हूँ कि किस लिस्ट में हमने ये वाले लोग भेजने हैं जो यहाँ पे साइन अप करेंगे।
आपके सामने आ गया डिसलीमी, ठीक है जी। ग्रुप कोई भी नहीं बनाया हमने, सिर्फ इसको आपने कर देना अपडेट सर्विस, अपडेट होगी। यहाँ पे इन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं जो चाहिए होते हैं एक साइनअप फॉर्म के लिए, यही हमें चाहिए। या आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो, अपने रेलिवेंट चीज़ें लगा सकते हो यहाँ पे, या ख़त्म कर सकते हो। मैं फॉर द टाइम इसको यही रहने देता हूँ। इसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन, जब कोई बंदा उस फॉर्म को कंप्लीट कर ले तो क्या मैसेज शो कराए, यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल थैंक यू शो करवा दे। उसके बाद जब वो फॉर्म सबमिट कर दे तो क्या ऑटोमेटिकली जो पॉपअप है वो बंद हो जाए। हाँ जी बंद हो जाए। कितने सेकंड बाद, आप सेकंड लगा सकते हो, 5 सेकंड बाद, मेरे ख्याल से 4 सेकंड बहुत है, और कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो किस तरह का फॉर्म आपको नज़र आए। ये फीचर्ड इमेज है, उसके बाद टेक्स्ट है, नीचे साइन अप फॉर्म है, ये और तरीके का है, ये डिफरेंट स्टाइल और ये डिफरेंट स्टाइल है। फीचर्ड इमेज किस साइड पर होनी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिटिंग कैसे हो फीचर्ड इमेज की, टॉप पे, लेफ्ट, बॉटम, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। कोई भी चूज़ कर लो, यहाँ जैसे है वैसे रहने दो। कलर पहले आप चेंज कर सकते हो कि जो आपका पॉपअप ओपन होगा उसका कलर किस तरह का होगा, ये भी आप चेंज कर सकते हो। बॉर्डर स्टाइल कर सकते हो, शेडो ड्रॉप कर सकते हो, साइज कस्टम दे सकते हो आप, कस्टम सीएसएस, अपना सीएसएस आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो भी आपने चेंज करना है इसको आप चेंज कर सकते हो। मैं फॉर द टाइम इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आप रूल्स लगा सकते हो कि आपका जो पॉपअप है वो आया कि आपने सिर्फ पोस्ट पेज पे शो करवाना है, सिंपल पेजेस पे शो करवाना है, सिर्फ होम पेज पे शो करवाना है, एंड सो ऑन। मतलब कि आपके पास सारी आज़ादी है कि क्या सिर्फ जो यूज़र लॉगिन हो उसको नज़र आए, या जो यूज़र लॉगिन नहीं है सिर्फ उसको नज़र आए। ये तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके सामने, लॉजिक्स हैं यहाँ पे, कंडीशनल लॉजिक्स। तो मैं चाहता हूँ जी पेज दिखाए ये, और किस पेज पे, ओनली दिस पेज पे। कौन सा पेज, होम के पेज पे। तो मैंने यहाँ से पहले सेलेक्ट किया पेजेस, यहाँ पे सेलेक्ट किया ओनली दीज पेजेस होम, मैं चाहता हूँ सिर्फ होम पेज पे दिखाए। तो अगर आप नहीं कोई कंडीशन लगाना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद कितनी देर बाद पॉपअप ट्रिगर करे, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट पे आप जाते हो 5 सेकंड बाद पॉपअप ओपन हो जाता है, कुछ साइट पे जाते हो कोई बंदा कहीं पे क्लिक करता है फिर पॉपअप ओपन हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ जी टाइम लगे कितने टाइम बाद, 3 सेकंड बाद, वेबसाइट ओपन होने के 3 सेकंड बाद या 3 मिनट बाद, 3 घंटे बाद, आप कुछ भी लगा सकते हो। 3 घंटे का तो तुक्के नहीं बनता, तो 3 सेकंड इनफ है। एनिमेशन अगर कोई देखना है ठीक है सेलेक्ट कर लो, किस तरह पॉपअप आया जाए किस तरह। उसके बाद अगर कोई बंदा पॉपअप क्लोज कर देता है, ऊपर टॉप पे ना एक क्रॉस का बटन आता है, अगर क्लोज कर देता है तो फिर उसको कितनी देर बाद वो पॉपअप दोबारा नजर आए। अगर उसने क्लोज कर दिया उसके बाद, मैं चाहता हूँ कि अगर बंदा 1 महीने बाद मेरी वेबसाइट पे दोबारा आए तो दोबारा से वो पॉपअप नज़र आए, तो आप यहाँ पे 30 दिन कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, यहाँ आप चाहते हो हर दफ़ा ही जब भी वो कोई पेज खोले होम पेज का उसको नज़र आए तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़रा अनॉइंग हो जाता है, यूज़र कहता है कि आप बार बार पॉपअप आ रहा है। तो आप ये कर सकते हो कि जब उसने कैंसिल कर दिया, क्लोज कर दिया, उसके बाद कितने दिनों बाद उसे नज़र आए। तो कहता है क्या आपका पेज स्क्रोल हो जब पॉपअप ओपन हो। कभी होता है कुछ साइट पे आपने जब पॉपअप ओपन होता है तो आपका पेज जो है वो स्क्रोल नहीं होता, वो एक जगह स्टक हो जाता है, तो आप अलाउ कर सकते हो अगर अलाउ करना है। अब ये होता है कि कुछ पॉपअप्स पे जब ओपन होता है आप साइट पे कहीं पे क्लिक करते हो तो वो बंद हो जाता है, तो क्या आप चाहते हो कि वो बंद हो या सिर्फ क्लोज के बटन से बंद हो। तो अगर तो आप चाहते हो वो साइट पे क्लिक करने से बंद हो जाए तो आप इसको ऑन कर दो, अगर आप नहीं चाहते तो उसको आप ऑफ कर दो। फॉर्म सबमिट बिहेवियर की, जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो क्या करे, क्लोज द पॉपअप, ठीक है जी फिनिश। ठीक है जी ये हो गया आपका, लग गया यहाँ पे। अब हम जाते हैं जी अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, देखते हैं कोई पॉपअप आता है कि नहीं आता। ये हमारा होम पेज है, और ये 3 सेकंड के बाद आपके सामने एक पॉपअप फॉर्म आ गया। इसकी हाइट, इसका कलर, जो चीज़ें मैंने आपको सेकंड स्टेप पे बताई थी वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इमेज लगा दोगे तो यहाँ पे ऊपर इमेज आ जाएगी, इसको आप देख सकते हो, चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। ये आ गया नाम, ये आ गया सॉरी ईमेल, ये आ गया नाम,
यहाँ पे लास्ट नेम और सबमिट, तो पॉपअप यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे मैं ईमेल देता हूँ, आगे मैं देता हूँ जी नाम, और इसको करते हैं सबमिट। तो ये थैंक यू का मैसेज आ गया जो मैंने लिखा था, मैसेज क्या है, तो कुछ देर के बाद ये पॉपअप भी बंद हो जाएगा। तो जनाब ये था आपका पॉपअप कि आप मेल चिप का फॉर्म या मेल चिप क्या कुछ भी आपने एक तस्वीर भी पॉपअप करवानी है, तो उसके लिए जो बेस्ट प्लगइन है आपके पास वो है हसल प्लगइन। और इसमें सारी लॉजिक्स हैं, सारी कंडीशन है, ये बहुत पॉपअप वाले जो प्लगइन है सारे मैंने देखने के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ, और ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है। इसको आप यूज़ कर सकते हो क्लाइंट के लिए पॉपअप लगाने के लिए, $20 से $25 तक आप चार्ज कर सकते हो, और डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या और आपकी प्रोफाइल में कितने अच्छे रिव्यूज़ हैं और क्लाइंट आपको कितना पे करना चाह रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक करें इसको, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इसी तरह के ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।